रूपा जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा सोयाबीन को लेकर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो आवकें हैं मंडियों में आ चुकी हैं, भरपूर आवकें देखने को मिल रही हैं, वहीं से सोया मील का यानी कि जो सोया खली है उसका आयात भी सरकार लगातार कर ही रही है। और जो आंकड़े थे सोयाबीन की बुआई के वो ये थे कि अब बुआई का जो रकबा है पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर ही हो गया है, लेकिन मानसून जो फिर से सक्रिय हुआ है, रिएक्टिव हुआ है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आई है हमारे पास कि सोयाबीन जो खेतों में अभी है वो फसलें बेकार हो चुकी हैं। ज़्यादातर राज्यों में सोयाबीन खराब होने की कगार पर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करूँ अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो सोयाबीन है वो बड़े पैमाने पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है खेतों के अंदर भारी बारिश के चलते। आपको क्या लगता है अगर एक बार उत्पादन के आंकड़े क्लियर होते हैं, साफ होते हैं और उत्पादन कम देखने को मिल पाता है तो क्या किसानों को सोयाबीन के उचित दाम मिल पाएंगे? देखिए ये अभी आगे इसका रिजल्ट निकल कर आएगा कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन होता है। अभी तो देखिए जो सोइंग के आंकड़े हैं वो काफी अच्छे बताए जा रहे हैं, बिल्कुल बारिशों की वजह से काफी जगह पर कुछ एक फसलें भी खराब हुई हैं, तो इसका आंकलन जो है अभी आगे चलकर निकल कर आएगा। लेकिन हाल फिलहाल का जो सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है वो सिनेरियो गिरावट का है, लेकिन हाँ अभी अराइवल प्रेशर भी है मंडियों के अंदर, इसलिए बाजारों का उठ पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर क्रॉप डैमेज होती है और प्रोडक्शन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल सकता है और तेजी बन सकती है, लेकिन जब तक ये आंकलन निकल कर आएगा तब तक बाजार जो है गिरावट में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी मंडियों में अराइवल पहुंच रही है तो उसका ही इंपैक्ट हम देख रहे हैं। और दूसरा, सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है ताकि एडिबल ऑयल की प्राइसेस को बहुत ज्यादा तेजी में ना जा सके, क्योंकि आगे दिवाली के चलते डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ सकती है, इसीलिए इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार भी पूरी तरह से चौकन्नी है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। आप फर्दर हो सकता है कि आपको एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि बाजार एक बार गिर सकता है। जी,